प्रेम प्रसंग कितने सालों से चल रहा था आपको अपनी साली के साथ? 15 साल से थी। 15 सालों से? 15 सालों से। उसके परिवार वालों को पता था? पता था सबको जी। अच्छा, सबको पता था। आपके घर वाले को भी पता था? मेरे घर वाले को भी पता था। भागने से बाद पता चल गया, उसे लेके भाग गया, कोई पता नहीं था किसी बात का। और वो कह रहा था 15 साल से मेरा है इसके साथ? जी, कोई 15 साल से नहीं जी, पहले 15 साल से होता, जब से क्यों नहीं करी उसने उसको। अलियास के डेरे में 25 सेक्टर में मेरे को मारा बिंटो के साथ 10-15 आदमियों ने, और इंसानी पेशाब पिलाया गया। मेरे भाई उसे पकड़ के ले आए थे, मेरे घर ही ले आए। ये झूठ बोल रहा है, मेरे को ऐसे फलाया ऐसे फलाया, लड़का है मेरा, उसने पानी दिया उसको, मेरे घर में था वो, यहीं रहता था मेरे पास। मेरे जाने शाने को बुलाते, वो जो पंचायत में रोल था वो करते, लेकिन उन्होंने मतलब अपने धक्के से जबरदस्ती दादागिरी बनाई, बदमाशी दिखाई। वहीं रहे भैया मेरे भाई ने 2-3, उसको वह नहीं मानना कि मैं उसी करूंगा उसी रहूंगा, मैं तेरे को रखते ही नहीं, उसने 2-4 हाथ मार दिए उसके। जो मेरे घर वाली है वो तो पानीपत में ही इनके पास इन्होंने रखी हुई है जबरदस्ती, मेरा पूरा घर, मेरे बच्चे इनके काबू में है। इसे कैसे रहने दे देंगे, ऐसे बच्चे कहाँ जाएंगे मेरे, कौन पालेगा कौन खुलाएगा ना को। तो आजकल मीडिया में आप लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं, एक शख्स को नंगा घुमाया जा रहा है, उसको जूते की माला पहनाई जा रही है और आरोप लगे हैं उनके ससुराल वालों पर। अब दूसरा पक्ष जो है वैशो पानीपत के सामने है, उनकी बीवी आप देख रहे हैं और 4 बच्चे हैं, एक बच्चा इसकी गोद में है जो महज 2 दिन का बच्चा जो है बताया जा रहा है। 15 साल से वो कह रहा था मैं प्रेम प्रसंग मेरा चल रहा है, लेकिन इस सारे मामले की सच्चाई क्या है और उस वीडियो की क्या सच्चाई है, इसी को लेकर हम लोग इनसे आज बातचीत करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है पूरा हाई कोकर पूरे हिंदुस्तान में इस मामले की जो है गूंज है। अब उनकी पत्नी से बातचीत करते हैं। अच्छा ये बताओ कि कोई झगड़ा चल रहा है आप लोगों का, दोनों मियां बीवी का? जी सही रहता था पहले तो वो, नहीं खर्चा पानी को नहीं देता था, जब से इससे रह लिया था वो, 2-3 महीने से भाग रहा था वो उसे लेके, तो ये भी मेरे भाई उसे पकड़ के ले आए थे, मेरे घर ही ले आए। ये झूठ बोल रहा है, मेरे को ऐसे फलाया, लड़का है मेरा, उसने पानी दिया उसको, मेरे घर में ही था वो, यहाँ रहता था मेरे पास ही। हाँ फिर यहाँ से भाग गया वो, चले गया वहाँ से, वहाँ जाके अपनी वीडियो बना के फेंक दी, अपनी वीडियो बना बना के फेंक रहे वो। अरे ये वीडियो कहाँ की बनी हुई है? ये भी सच्चाई चाहिए हमारे को, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, इनको कौन खुलाएगा, ये 6 बच्चे मैं कहाँ लेके जाऊँगी इन्हें। अच्छा तुम, एक मिनट मैं बात करता हूँ आपसे, तुम्हारे को कब पता लगा कि तुम्हारी बहन के साथ उसका चक्कर है? जब भाग गया। अच्छा, भागने से बाद पता चल गया, उसे लेके भाग गया, कोई पता नहीं था किसी बात का। और वो कह रहा था 15 साल से मेरा है इसके साथ? जी कोई 15 साल से नहीं जी, पहले 15 साल से होता, जब से क्यों नहीं करी उसने उसको। 15 तो बहुत होते हैं, झूठ। ये बच्चे पैदा हो रहे हमारे पास, ये 15 साल से करता, उससे नहीं कर सके था फिर वो। अभी भाग गया वो, मेरे को तो अभी पता चले। अच्छा। 8 बच्चे उसके पास जिसे लेके भाग गया, बड़ी बहन है वो मेरी। अच्छा। उसे लेके भाग गया वो, इसे पकड़ के ले आए, कुछ भी नहीं करा उसके साथ, ना पलाया ना कुछ। तो बड़ी बहन ने कभी बताया नहीं कि आपका मतलब ये, क्योंकि छोटा तो था वो, जवाई था वो। हाँ। बताया नहीं कभी कि मेरे साथ ऐसे गलत? नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो खुशी से गई अपनी खुशी से उससे। अच्छा। हाँ खुशी से घर जाइए, वो भी कह रही है मैं खुशी से गई हूँ। अच्छा। हाँ ये भी, अब बच्चे कहाँ जाएंगे मेरे बता, छोटे छोटे, कौन पालेगा इनको, मेरे को इंसाफ चाहिए। यहाँ किस लिए आ रहे हो आप? इसलिए आ रहा, इंसाफ मिलना चाहिए मेरे को, इंसाफ मिलना चाहिए भाई, ये बच्चे हैं इनको कहाँ जाएंगे। वो ये कह रहा था कि मेरे को उठा के लाया, मेरे को पेशाब पिलाया, मेरे को नंगा घुमाया। वो 2 महीने से भाग रहा था, उसकी ढूंढ बाल कर रहे थे, ढूंढ बाल करके उसकी पकड़ के घर ले आए उसको, मेरे घर ही ले आए, वहीं वहीं रहे भैया मेरे भाई ने 2-3, उसको वह नहीं मानना कि मैं उसी करूंगा उसी रहूंगा, मैं तेरे को रखते ही नहीं, उसने 2-4 हाथ मार दिए उसके, यहाँ से जाकर वहाँ जाके उन्होंने दारू पी के अपना वीडियो बनानी शुरू कर दी अपनी, वहाँ वीडियो बना के वहाँ फिर नेट पे फेंक दी कि मेरी साथ दास्ती की है, वो की है, फलाना की है, सब ये अपना केस फ्रॉड है उसका, फ्रॉड कर रहा है सब, दारू पीता है वो, यही काम है उसका, ये बच्चे खड़े मेरे, इनसे और पूछ लो। तुम्हारी बहन से कभी तुम्हारी बात नहीं हुई इस बारे में? नहीं जी, कोई बात नहीं होती उसी उसकी मेरी। अब उसके साथ रह जाए कोई दिक्कत नहीं है? नहीं जी, ऐसे कैसे रहने देंगे जी, ऐसे कैसे रहने दे देंगे, ऐसे बच्चे कहाँ जाएंगे मेरे, कौन पालेगा कौन खुलाएगा ना को, है भाई। एसपी से मिल के आए हो क्या? हाँ जी गए थे। क्या बोले? मेरे को तो बोले तुम्हें इंसाफ मिलेगा, भाई इंसाफ मिलेगा। हाँ मैं, मेरा नाम बब्बू खान है। आप कौन है? ये मैं जुआई हूँ उसका, ये जो कहता है ये लड़की है बड़े भाई की, मतलब वो आपका जुआई है? हम, हाँ जुआई, बड़े भाई का स्पैरो है इसका बाप। अच्छा क्या हुआ था, क्या रोड़ा चल रहा है ये सारा इनका? रोड़ा ये चल रहा है जी, 2 महीने पास मेरे पास ही 25 सेक्टर में रहता था वो, यही रहता था, तो यहाँ 1 साल से ज्यादा मेरे पास रहेगा था, काम करता था अपना, कुछ
दारू पारू पी लेता था, सामने तो आता था ना दारू पीता था। तो अब दो महीने पहले वो उसको लेके फरार हो गया। हमने उसके परिवार वालों से बहुत रिक्वेस्ट करी, भाई इसके बच्चों को कौन खिलाएगा, हाँ इनको कोई कुछ करो। हमने उसका फोन लोकेशन पोसिल में लगवाया, बहुत बीकानेर गया, बहुत पैसा भी खर्च कराया। एक दिन उसके बाप ने ये फोन कराया अभी 5-7 दिन पहले, 22 को 21 को, कि भाई लड़की तो और लड़का मैंने पकड़ लिया फिरोजपुर, अरे भाई आ जाओ तुम। उसके दोनों भाई गाड़ी करके 3 वहाँ चले गए, उसके डैडी ने फोन बंद कर लिया। तो ये जब वहाँ चले गए तो रस्ते में फोन बंद तो ये चलेगा बरनाला, उसकी लोकेशन पोकेशन लगी इनके पास, वो बरनाला स्टेशन पर पड़ा। वहाँ से उन्हें उठा लिया, भाई देख तू अपने बच्चों में चल, हम तेरे को मारते नहीं पीटते नहीं, है तू अपने बच्चों में चलो, उसका वो फंड नहीं जाना। इन्हें उसको प्यार से, बड़े प्यार से अपने यहाँ ले आए। तो उसे उससे बात करी कि भाई तू यहाँ रुक यार, तेरे बच्चे हैं कुछ है, तो वो नहीं मानना। इन्हें उसको गुस्से में उसकी पटाई पुटी कर दी, हाँ उसकी पटाई पुटी कर दी। तो उसके बाद में इसे वो बोला भाई, वो पानी मांगा उसने, तो उसका जो लड़का है इसने उसको पानी दिया बाहर से, पानी मैला हो रहा था 2-4 दिन का। जैसे उसको पानी पिलाया, पीछे एक बंदे ने ये कह दिया कि मुंह पिलाओ इसको, पेशाब पिला दो। उसने ये समझ लिया कि ये पेशाब था, वो पानी इसके लड़के ने दिया खुद, हाँ पेशाब नहीं था वो पानी था। फ्रॉड है वो बंदा, इस लड़की को छुड़वाना चाहते हैं, 2-4 बंदे उसके साथ में ऐसे मिले हैं फ्रॉड, इसको जो बर्बाद कर रहे हैं बेचारी को, और वो लड़की उसके साथ ही वहाँ ले गए। पर वो नंगे होने वाले वीडियो, जूते माला पहनाने वाले जूते, वो ऐसा ना सरदार जी, नंगा होया, नंगा हुआ इसने, उसने नंगा दारू पी ली। इन बच्चों के सामने कौन उसको नंगा करता है, वहाँ जहाँ नंगा हो रहा है वहाँ देखो कोई रेस्ट है कोई नहीं, वहाँ है एक सड़क है, फिर सड़क के ऊपर कुछ बंदे ये कह रहे हैं कि घूम, केस बनाने के वास्ते, हमें फंसवाने के वास्ते, कि भाई घूम तू घूम नंगा करके। हमने उससे कोई नंगा नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, ये उसने दारू पी के कहाँ, किसने उससे वीडियो बनाई है, क्या चीज़ है जो करिए, गुस्से पटाई जरूर कर दी हमने, क्योंकि हमें जब गुस्सा आया था अपनी घरवाली के पास प्यार से लिया, रुकता नहीं था, पटाई जरूर उसकी हो गई। हाँ हम क्या करते और पीटा किस किसने, ऐसे थप्पड़ मुक्का मार दिया मैंने, आ गया मेरा को, बाकी इतनी लंबी नहीं, कोई खून नहीं निकला कहीं से, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, 2-4 थप्पड़ मुक्का मार दिया बस, इतनी लंबी चौड़ी बात। उसके परिवार वाले जब कल मैं बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि हमारे में तो हो जाता है, मुसलमानों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो सहमति से रह रहे हैं, कुछ ऐसा भी है क्या? ऐसा देख सरदार जी, ये बिल्कुल झूठे रह जाते हैं। हमारी बिरादरी मुसलमान में 2 करे 3 करे ये तो पक्की है, लेकिन बहन नहीं कर सकता सगी उसकी, जैसे उसकी उसकी घरवाली है जो तुम बहन है, बहन नहीं रख सकता हमारे, ये किसी से भी पूछ सकते हो, शादी कर सकता है दूसरी से भी, दूसरी रख सकता वो है, वो सही बोल रहे हैं, 2 बहन इकट्ठी नहीं है घर में रह सकती, ये झूठ है, किसी से कोई बताओ हमारे इतिहास में ऐसा नहीं होता कि 2 बहन इकट्ठी रहेंगी, दूसरी कर सकता है, जैसे इसको छोड़ गया और कोई कर ली वो तो अलग चलो होया, इसकी बड़ी बहन ले गया, ऐसा हमारे में नहीं होता, हमारी बिरादरी मुसलमान बिरादरी में ऐसा नहीं होता, 2 नहीं रख सकता सगी बहन। उसका घरवाला कहाँ है, वो नहीं आगे आया है, उसका घरवाला बहुत रहा, उस घरवाले के पास बेचारा ऐसे ही है, वो उसके पास रोकता भी रहे, 7 बच्चे पला रहे या क्या, हैं 8 बच्चे इसके पास, सुने इसके 6 मीडिया के आगे बता रहे मेरे 3 बच्चे हैं हमारे पास, उसका प्रूफ है, आईडी पूरी उसकी, 6 बच्चे हैं उसके, 2 लड़के 4 लड़की, ये 2 दिन का लड़का है उसका, 2 दिन दो, ये 2 दिन का जी, उसके कारण 5-6 घर उजड़ रहे हैं, इतने जुड़वाने में वो भी खराब हो गई, रिश्तेदारियां जो चाचे ताऊ में ऐसे हो रही है उसके रखने से, वो तो 6-7 घर उजड़ गए, ये भाई खड़े इस पे भी 7 बच्चे हैं, ये मेरे बदले में वो से रखेगा उसकी बीवी भी उजड़ गई, आप तो जानते हो संता जैसे बदला मेरे और मेरी तेरे, हां इस बात का इंसाफ होना चाहिए ना जी, इसकी भी गई और 2-4 रिश्तेदारियां वो भी गई, ये चल छोटे छोटे बच्चे ने इनका कौन रखवाली है, ये इसका लड़का, इससे पूछो क्या पिलाया, पानी पिलाया था जी हमने, मैंने जी घर में पानी था नहीं था, गंदा पानी पिला दिया, पानी पानी मैंने पानी पिला दिया जी। अच्छा, शराब पी के मारपीटाई भी करता था ना जी, करता था। अच्छा, वो शराब बेहोश हो गया था जी, शराब पी पी के जी, वो कहीं नंगा हो गया बाहर जी, बाहर करा होगा जो, ऐसे नंगा हमने नहीं करा जी कुछ उसके साथ। हम तो ये कह रहे जी, उस मेरा साला है वो, ये बहन है मेरी छोटी, मेरे संटे में बिहार गई, उसके कारण 5 घर जुड़ रहे हैं, एक मेरा साढ़ू है उसके घर में मेरी साली है जैसे, वो भी उजड़ रही है, 6 बालक उस पे हैं, 6 इस पे हैं, 7 मेरे पास हैं, मेरे घर वाले भी, उन्होंने कल फोन करके बुला ली, मैं राजस्थान था पीछे से फोन करके उसको भी घर बुला ली, 7 बच्चे मेरे पास हैं, बच्चे घर पे रो रहे हैं, अभी तक मैं घर नहीं गया।
तो साली है मेरी, उसको बरनाले छोड़ के भाग गया एक, मेरा साडू वो भी उजड़ने लग रही है बनोइया मेरा, वो दूसरा इंजरी वाला उजड़ी रहा है इसके कारण, आठ बालक हैं और जो ये भी कर रहा है इसके बाद रखने वास्ते फंड कर रहा है सारा, ये रखे भी नहीं जो दारू ये बता रहे हैं, जो बड़ी बहन है मेरी ये जो कह रहा है भाई मेरे को मुंह पिलाया जब वो पिलाया कुछ नहीं सब जुआई का भी अपहरण होता है सरदार जी, जुआई उसके बच्चे हमारे पास आधा परिवार, ये उसकी बुआ खड़ी सगी बुआ सकी, आज कहते हैं अपहरण कर लिया, प्यार से ले आए थे बच्चों में रखने वास्ते, नहीं रहा हमने जब उसको, जब वो नहीं माने ना उसका दो चार हाथ मार दिए, पांच दस कितने मार दिए, डंडा सोटा ऐसा कुछ नहीं मारा बिरादरी का, हमने एक बंदा आया बिरादरी का है, पंचायती बंदा है वो आया, भाई क्या बात है, मैं भाई ऐसे ऐसे बात है कि यार मैं इस केस को निपटवा दूंगा, ये बंदा मेरे को दे दो मैं इसको घर पहुंचा दूंगा प्यार से, हमने उस पंचायती बंदे को कोई अफरेंड नहीं, कोई पुलिस नहीं लेगी, कोई कुछ नहीं, हम पंचायत हमने उस पंचायती बंदे को दे दिया, उसने उन्हें घर वाले को सौंप दिया कि भी ले जाओ बैठ के फिर बात कर लेंगे, उनने क्या काम कराया घर गए मीडिया बुलाई ग्राउंडे की, कहीं की सुना कहीं की मीडिया बुला गए वो, उसमें के जी अपहरण कर लिया, गाजर छूट दी, मूली दे दी, ग्राउंडा से उठाया है, अरे उरे के मीडिया को ये बता दिया कि बरनाला से ले आए, बरनाला से मेरे पास तीन बच्चे हैं ये बता दिया, छह बच्चे उसके ये खड़े, हाँ हाँ बेटा पापा के पास जाना है, नहीं नहीं जाना जी, नहीं जाना, क्यों? और तो बाग दूसरी करके ले गया, दूसरी करके ले गया, चलो बच्चों से ज्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन अब ये है कि दूसरा पक्ष सामने आया है, तो अभी एसपी के दरबार में ये मामला था, एक पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, तो बाकी सारा जो है जांच का विषय है, इस सारे मामले में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। वैसे पानीपत के प्रति पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।